के सामने रखी होंडा शाइन को हैंडल लॉक करने के बावजूद एक आरोपी ने बड़े ही शातिर तरीके से इस बाइक की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आरोपी पर 379 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आखिरकार गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी सूरज आसाराम डोनल्डकर इसे गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बाइक चोर गिरफ्तार हुआ है। दरअसल घर के सामने रखी होंडा शाइन को हैंडल लॉक करने के बावजूद एक आरोपी ने बड़ी ही शातिर तरीके से इस बाइक की चोरी की, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आरोपी पर 379 धारा के तहत मामला भी दर्ज किया गया। आखिरकार गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी सूरज आसाराम डोनल्डकर इसे गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया। शरद 52 याची मोटरसायकल क्रमांक MH 49L 0350 ही गाडी चोरल्याची फिर्याद दसऱ्या दिवशी दाखल केली। सदर गुन्ह्याचा तपास SC सिद्धार्थ पाटील, त्याचे सहकारी विनोद झिंगरे, प्रेम कुमार आणि नितीन मिश्रा हे करत असताना नंदनवन झोपडमध्ये राहणारा आरोपी नामे सुरेश डोनल्डकर याच्याकडे सदरची मोटरसायकल असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांनी त्या ताब्यात घेतली, चौकशी केली असता सदर गुन्ह्यातील मोटरसायकल तसेच त्याने पायडी अपराध क्रमांक 343 ही पण एक मोटरसायकल त्याच्याकडे मिळून आली। अशा एकूण 2 मोटरसायकल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या आहे। सदर आरोपीचा PCR घेण्यात आलेला आहे। सदर आरोपी लॉकअपमध्ये जेलमध्ये आहे। सदरचा आरोपी हा भंडार येथील राहणारा असून तो काही दिवसापूर्वी नागपूरला आलेला आहे। त्यांनी पहिली गाडी पाडीतून चोरी केली आणि दुसरी गाडी नंदनवनमधून चोरी केली। या दरम्यान आमच्या लोकांच्या लक्षात आल्यामुळे त्याला ताब्यात घेऊन दोन्ही गाड्या रिकवर करण्यात आल्या। आपको बता दें कि आरोपी पर अपराध 343 के तहत मामला दर्ज कर स्प्लेंडर प्लस टू व्हीलर गाड़ी MH 49BC 5808 जब्त की गई है। फिलहाल नंदनवन पुलिस उससे और भी जांच पड़ताल करने में जुट गई है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।